बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, गिव रीजंस व्हाई डीएनए कैन नॉट बी पास्ड इनटू होस्ट सेल थ्रू सेल मेंब्रेन. तो चलिए देखते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इज डीएनए. की कॉन्सेप्ट हमारा इधर डीएनए है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो वी ऑल नो कि डीएनए इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स जेनेटिक मेटेरियल. एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ शुगर विच इज ओवर हियर. इनको पता है डी ऑक्सीराइबो विच इज डी ऑक्सीराइबो शुगर. न्यूक्लिक मतलब प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एंड एसिड रेफर्स टू द एसिडिक नेचर. ओके, सो डी ऑक्सी राइबो रेफर्स टू द डी ऑक्सी राइबोस शुगर. शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एंड एसिड मीन्स एसिडिक नेचर. ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्यों डीएनए एंटर नहीं कर पाता है होस्ट सेल. डीएनए cannot enter the host cell membrane because number one is size and charge. DNA is kya hota hai? DNA is negative negatively charged. Okay, that's why. And it's negatively charged and also very large. That's why the cell membrane selectively blocks such molecule. Number two, jo hai, it is because of hydrophobic barrier. Okay, yeah, the membrane or the cell membrane hydrophobic. Okay, that's why. So it repels DNA or DNA which is हाइड्रोफिलिक, इसलिए वो एंटर नहीं करने देता है, वो रोक लेता है. एंड थर्ड रीजन इज नो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन लैक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. मतलब एक कैरियर होना जरूरत है ताकि वो अंदर ले सके, लेकिन सेल मेम्ब्रेन लैक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए. ओके, तो इसके कारण दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल में. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.